धनबाद के बागमारा थाना में एक अजीबोगरीब घटना घटी। थाना पहुंची लक्ष्मी देवी नाम की महिला अचानक आत्महत्या करने का प्रयास की। महिला अचानक दौड़ते हुए थाना परिसर के अंदर स्थित एक क्वार्टर के समीप आम के पेड़ पर चढ़ने लगी। वह बार बार कह रही थी कि नहीं जीना चाहती, वह आत्महत्या कर लेगी। इससे पहले कुछ थाना में उपस्थित पुलिस जवान, थाना प्रभारी कुछ समझ पाते, वह आम पेड़ में लगे सीढ़ी से चढ़ते ही जा रही थी। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाना में उपस्थित थाना प्रभारी सूबेदार यादव, अन्य पुलिसकर्मी तथा पुलिस जवान उक्त स्थान पहुंचे। महिला बार बार आत्महत्या करने की बात दोहराती रही। पुलिस के समझाने के बाद महिला सीढ़ी से नीचे उतरी। महिला पुलिस के समझाने से मानी। फिलहाल महिला थाना में है, वहीं पति भी थाने में ही। दरअसल पति पत्नी में विवाद चल रहा है, दोनों के विवाद तलाक तक पहुंच गया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बागमारा थाना क्षेत्र में ससुराल महिला का है, वहीं आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला ने कहा कि उसके पति उसे मारते पीटते हैं। जब से शादी होकर आई है पति उसे मारपीट करते आए हैं। वहीं महिला के पति शिवजी नोनिया ने कहा कि पत्नी से विवाद चल रहा है, 2007 में शादी हुई थी, तीनों बच्चे, अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते, उसके ससुराल वाले इसका मास्टरमाइंड है। हालांकि विवाद के कारण को बताने से पति ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इसे नहीं बता सकते या गुप्त ही रखना चाहेंगे। क्या हुआ? अरे मेरे से शादी हो क्या, तब से हमको दुख दुख दर मारते 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 पेट में जख्म कर दी है। कौन? यही मेरे पति है। कहाँ आपका ससुराल है? ससुराल मेरा यहीं पे है। तो यहाँ थाना में सुसाइड करने का प्रयास कर रहे थे? बात समझ में नहीं कर रहे। ये महिला मेरा वाइफ है और इसका डिवोर्स केस चल रहा है। एक बार बुलाए भी थे जज साहब, पेशा साहब को बोले थे कि इसको बुलाए फोन पे। ये फोन पे बोलता कि हम कोर्ट कैसे की नहीं मानते हैं, थाना पुलिस तो कुछ समझते हैं। तो आज जो थाना आए हुए हैं तो क्या बोल के आए हुए हैं? ये थाना बोल के ये मायके में थी। कहाँ मायका है? मायका से चंद्रपुरा में है। इसका माँ जो ऐसा मास्टर माइंड है, इसका माँ भेजिए कि जाओ ससुराल में जो उसी रहो से कोर्ट जी क्या करेगा। तो ये सीजीओ में आई सड़े दस रात के, उसका तो 3-4 दिन रही, उसके बाद फिर यहाँ जल्दबस्ती आके बोलता कि हम रहेंगे। और तीनों बच्चा जो मार्क साथ रहना चाहता है, तीनों बच्चा मेरे साथ रहता है। मतलब शादी कब हुआ था और कब से ये झगड़ा? शादी हुआ 27 जून 2007 में। और ये झगड़ा कब से चल रहा है, क्या कारण है इसका? ये झगड़ा चल रहा है आपका 4-5 महीने से, जाने समझती है कारण क्या है इसका? कारण गुप्त रखेंगे हम।